वेल तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग गाइस यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हो गए। एंड गाइस आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। भाई गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी कर दी है, लेट्स गो गाइस, थोड़ी पीछे खड़ी करते हैं। तो गाइस देखो यार, मैं सुबह सुबह आज गाइस थोड़ा बहुत काम कर आया हूँ, जो कि भाई बाहर वाला काम मेरा थोड़ा बहुत खड़ा था, जिनमें से गाइस एक तो यही था कि भाई मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी बहुत सर्विस करवानी थी, जो कि गाइस मैंने करवा लिया। देखो भाई साहब बिल्कुल नई नई दिख रही है, अगर आप सब लोग देखो तो बिल्कुल यहाँ पर इसके टायर चमक चुके हैं, सब कुछ चमक चुका है। आपको एक बार यहाँ पर अंदर से भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइज यहाँ पर अंदर से भी बिल्कुल क्लीन करवा दिया भाई, इसके अंदर इतनी ज्यादा मिट्टी हो गई थी। एंड भाई देखो यहाँ पर लाइट्स भी नई लगवा ली है, मतलब भाई पिछली वाली लाइट्स थोड़ी सी गाइज यहाँ पर पुरानी सी हो गई थी, तो गाइज यहाँ पर मैंने उनको भी नया लगा लिया। भाई सबसे पहले इनको बंद करो भाई इसको। ओके तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ भाई लाइट, वैसे तो गाइज आपको सुबह सुबह इतनी दिखेगी नहीं, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखना भाई साहब, ये देखो गाइज लाइट्स भी गाइज यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर मस्त करवा लिया भाई, अब बिल्कुल अच्छे से दिखती है। आप गाइज यहाँ पर गाड़ी में कोई भी कमी नहीं रह गई है गाइज, यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल यहाँ पर नई हो चुकी। वैसे गाइज इन दोनों को भाई मैं बहुत देर के बाद यहाँ पर अकेला घर पे छोड़कर गया था, देखता हूँ भाई इन दोनों ने भाई प्यार से यहाँ पर पूरा संभाला है या फिर नहीं। अरे चौप यार, सारी गलती तेरी है यार, तू ही ऐसा है यार। एक तो फ्रैंकल भैया यार घर में सबसे ज्यादा कम दिमाग वाले हैं, ऊपर से तू यार वैसा होता जा रहा है। बे शिनचैन मेरे दिमाग को कलुए के दिमाग से कंपेयर मत कर बे, मेरा दिमाग तो उससे 100 गुना अच्छा है बे, वो तो गोबर भरा है उसके दिमाग में। हाँ हाँ मेरे को सुन रहा है भाई, मेरी पीठ पीछे क्या बातें करते हो। अरे फ्रैंकल भैया हमें पता है आप आ गए थे यार, गाड़ी लेकर आए हो, इतनी आवाज करते हो, ऊपर से इतना बोल बोल कर आ रहे हो तो पता लग ही जाता है आप आ गए हो। अबे मैंने तुम दोनों को बोला था भाई साहब प्यार से रहना, यहाँ पर तुम दोनों लड़ रहे हो भाई। अरे फ्रैंकल भैया बहुत प्यार से रहे हैं यार हम। बे बिल्कुल कलुए बे, मैंने तो बिल्कुल लड़ाई नहीं की बे, तेरे जाने के 3 मिनट के भाई साहब बीच में हम दोनों बिल्कुल शांत रहे हैं भाई। वो बात अलग है कि 3 मिनट के बाद शिनचैन ने मेरे ऊपर थूका तो भाई साहब मैंने उस पर थूका, फिर भाई साहब थूक थूक पे भाई साहब यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई सी हो गई थी, पर भाई साहब सब कुछ ठीक है। अब यार तुम दोनों को मैंने कितनी बार बोला है भाई मत लड़ा करो यार, मैं घर पे तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकता यार, पूरे घर में उथल पुथल मचा देते हो, अब क्यों लड़ रहे थे। अरे फ्रैंकल भैया देखो यार चौप ने टीवी खराब कर दिया है। भाई साहब मैंने नहीं भाई इसने किया यार, मैं सच में भाई साहब बता रहा हूँ कलुए, मैंने तो रिमोट पे पंजा तक नहीं मारा भाई, मैंने तो बस भाई साहब दबा कर देखा था और टीवी चल नहीं रहा। अबे कर दिया वही काम भाई साहब, रुको गाइस यहाँ पर टीवी ऑन कर देखते हैं, अबे हो जाओ ना। अबे कलुए नहीं होगा भाई, मैंने तो 3 बार भाई तार भी पलट पलट कर देख ली, पलट पलट कर देख ली भाई, कहने का मतलब है बदल कर देख ली, ऑन ऑफ कर देख ली, कुछ नहीं हो रहा। मतलब तेरे कहने का ये है कि भाई तुम दोनों ने टीवी खराब कर दिया। भाई यार आज तो मेरा मैच था भाई, मैंने कुछ देखना था यार, बॉक्सिंग थी मेरी आज देखने वाली। अरे आपकी बॉक्सिंग छोड़ो यार, मेरा सीरियल निकल गया है यार, मैंने देखना था। अरे यार बहुत मुश्किल है यार, इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी यार, उसकी शादी टूटने वाली थी। अबे किसकी शादी टूटने वाली थी ये मुझे नहीं जानना भाई साहब, ये बताओ टीवी किसने खराब किया यार, क्या किया भाई। मैं कलुए मैंने तो इस पर हाथ भी नहीं लगाया यार। अरे और मेरा हाथ तो फ्रैंकल भैया टीवी तक जाता ही नहीं है, तो मैं तो कैसे कुछ कर दूंगा। अबे यार भाई शाम को मेरा बॉक्सिंग का मैच है यार, दे तुमने क्या कर दिया भाई साहब, गए यहाँ पर घर पे इनको छोड़कर जाओ, नुकसान करा देते हैं यार। अरे चलो यार फ्रैंकल भैया कुछ नहीं होता यार, आप भी तो बाहर गए थे, आप अपना बताओ क्या हुआ। मैं तो जो काम करने गया था अच्छे से कर आया हूँ, अपनी गाड़ी को बिल्कुल ठीक करवा लिया है भाई साहब। कल फिर तो ठीक है भाई, इसी गाड़ी में भाई साहब चल टीवी लेने चलते हैं, नए वाला इसी बहाने टीवी आ जाएगा। अरे हाँ फ्रैंकल भैया जो भी होता है अच्छे के लिए होता है यार, मेरे को लगता है टीवी नए लेने का टाइम आ गया है। टीवी नए लेने का टाइम नहीं आ गया भाई साहब, तुम दोनों को खत्म करने का टाइम आ गया यार, घर से भाई साहब निकाल दूंगा मैं। तू हमको निकालेगा भाई, तेरा घर भाई साहब हम चला रहे हैं, कलुए तेरे जाने के बाद पूरी की पूरी भाई साहब जो सुबह की दाल थी भाई मैंने खराब किया है। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार चौप ने कुकर बंद नहीं किया यार, तो दाल भी सड़ गई है। अब भाई गाइस क्या है यार भाई, इनको छोड़कर जाना भाई सबसे बड़ी गलती है यार मेरे लिए। देख कलुए वाह यार गाड़ी तो भाई साहब अच्छी हो गई है। अबे गाड़ी क्या मैं सर में मारूं भाई साहब, अब तुमने जो मेरे भाई यहाँ पर टीवी काल किया उसका मैं क्या करूंगा। अरे फ्रैंकल भैया याद है आप भी एक टाइम ऐसे चोर हुआ करते थे। देख कलुए बताया टीवी तो मुझे भी देखना यार, भाई साहब खराब हो गया बता क्या करें यार, भाई साहब क्या आइडिया है तेरे पास। ओ गाइस मैं समझ गया मुझे क्या करना है भाई साहब, टीवी ठीक करने का तरीका गाइस मेरे को समझ आ चुका है। भाई साहब क्या कलुए हम मैकेनिक को लेकर आ रहे हैं। मैकेनिक को नहीं लेकर आ रहे। अरे तो क्या कर रहे हैं यार, बाहर से पानी लेकर आएंगे और टीवी में मारेंगे। अबे नहीं यार, तो भाई साहब टीवी नया लेंगे। नहीं यार, तो भाई साहब क्या करेंगे। अबे तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को अभी दिखा देता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। अरे ये तो बता दो कहाँ जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ गाइस यहाँ पर माइकल के घर। भाई साहब माइकल के घर क्या करेगा बे, मैं उनके घर टीवी नहीं देखने वाला भाई साहब, मेरे को अपने घर पे टीवी चाहिए बे। जिस तरीके से मैं सोफे में लेट कर टीवी देखता हूँ मैं वहाँ पर नहीं देख सकता रे कलुए, समझा कर बे। अबे पागल यार मेरे को पता है भाई, पर गाइस मेरे को ये भी याद है कि यहाँ पर माइकल के पास गाइस एक एक्स्ट्रा टीवी हुआ करता था, मतलब अभी भी होगा क्योंकि गाइस यहाँ पर माइकल इतना अमीर है कि भाई उसने अपने हर कमरे में टीवी लगा रखा है,
तो भाई इतनी तो बात है कि वो अपने कमरे वाला चलाता होगा, उसका बेटा अपने कमरे वाला चलाता होगा, उसकी भाई साहब यहाँ पर बेटी अपने कमरे में चलाती होगी और भाई अमांडा कमरे में चलाती होगी। बट उनके पास एक गेस्ट रूम भी था जिसमें गाइस यहाँ पर टीवी लगा हुआ था। जब मैं लास्ट टाइम माइकल के घर गया था मैंने देखा था। अरे वाह यार, अपने दोस्तों के घर जाकर क्या क्या देखते हो यार, मैंने कभी इतनी यार नीच हरकत नहीं की। अबे भाई यार, वहाँ पर घर में टीवी लगाए तो सबको दिख जाता है। तो भाई साहब अब तू टीवी मांगने चला है उससे? अबे नहीं यार, मैं क्यों मांगने जाऊंगा, वो तो माइकल ने मुझे कहा था कि अगर कभी जरूरत हुई तो मेरे से ले जाना। तो भाई यहाँ पर यही हम करने वाले हैं गाइस, माइकल आज हमें टीवी देगा भाई। और गाइस अब यहाँ पर माइकल का टीवी हम अपने घर पे लगाएंगे। भाई साहब चल कलो आज देख ही लेते हैं हमें दोस्ती काम आती है या फिर नहीं। अरे हाँ यार गाइस, चलो देखते हैं यार दोस्ती काम आती है या नहीं। हाँ तुम देख लेना भाई साहब, यहाँ पर दोस्ती पक्का काम आएगी। तो यार गाइस यहाँ पर अगर आप सब लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा तो वीडियो को जल्दी से लाइक मार दो, क्योंकि गाइस यहाँ पर जैसे हम माइकल के घर जाएंगे उसके बाद देखते हैं माइकल हमें टीवी देता है या फिर नहीं। एंड गाइस वो टीवी हमारे घर में आकर चलता है या फिर नहीं, ये गाइस हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गो भाई, सबसे पहले चलते हैं माइकल के घर। आप सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड हम लोग गाइस यहाँ पर चलते हैं। माइकल माइकल मेरा भाई माइकल, तू तो भाई साहब बहुत ही हैंडसम, बहुत ही हैंडसम। अरे फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया, आप तो चमकते हो घर की बत्ती जैसे। अबे वाह यार। और फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया, दिखते हो बिल्कुल टट्टी जैसे। अरे भाई साहब मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरे भाई मेरे सामने बकवास नहीं करनी। मैं कल उसमें क्या है यार, सच्ची बोला उसने भी। मैं बता रहा हूँ अपना दिमाग ना बहुत ज्यादा कम चलाया करो। अरे दिमाग तो आपका कम है यार, आपका ही कम चलेगा, हमारा तो ज्यादा चलता है। मैं कल तू भाई साहब हमसे लड़ाई नहीं कर सकता मान ले। और भाई साहब देख तो ये घर पे है। अबे ये तो घर पे होगा यार, भाई साहब मुझे तंग कर रखा हुआ है। अरे वाह फ्रैंकलिन तू भी आ गया घर पे। अबे भाई साहब माइकल कैसा है? अरे बढ़िया बढ़िया फ्रैंकलिन तू बता कैसा है? मैं भी बढ़िया भाई साहब, यहाँ पर मेरे को लगता है कोई मीटिंग चल रही है तेरी। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, मिल यहाँ पर मेरे दोस्त रोबिन से। ओ अच्छा रोबिन। हाँ फ्रैंकलिन ये मेरा दोस्त है जिसने मेरा घर बनवाया है। ओ अच्छा, तो भाई साहब ये पूरा घर भाई इस बंदे ने बनाया है? अरे हाँ, मतलब ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया घर बनाता है, तो इसने अपने बंदों को लगाकर मेरा घर बनवाया था। आज मैंने इसको बुलाया था क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी चीजें मैंने चेंज करवानी है, तो मैं इसलिए चेंज करवा रहा था। तो रोबिन मिल यार मेरे दोस्त फ्रैंकलिन से यार। अरे अरे फ्रैंकलिन कैसे हो? अरे मैं बढ़िया यार रोबिन। भाई साहब गाइस यहाँ पर ये रोबिन ने तो भाई खतरनाक ही घर बनाया माइकल का। अरे फ्रैंकलिन इसने लॉस सैंटोस के बड़े बड़े घर बनाए हैं, करोड़ों के घर बनाए इसने। चाहो तो हम आपके घर को भी अपग्रेड करवा देंगे। और भाई साहब सच में? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, अगर तू करवाना चाहते तो करवा ले। अबे भाई साहब गाइस यहाँ पर वैसे बात तो सही है यार, हमारा घर छोटा मोटा सा दिखता है, अगर गाइस इससे अपग्रेड करवा लिया तो क्या पता है घर को कैसा बना दे। अरे आप फिक्र मत करो, आप घर को देखकर खुद चौंक जाओगे कि ये क्या बना दिया रोबिन ने। ओ भाई साहब सही में? मैं कल चल यार भाई बनवा लेते हैं यार, क्या ही जाता है यार, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर देगा ये घर को। अबे यार गाइस तो चलो यार, देरी किस बात की, करवा लेते हैं। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया करवा लेते हैं यार। अरे रोबिन भैया यार हमारे साथ चलो यार, माइकल अंकल का काम तो छोटा मोटा है, बाद में कर देना। अरे हाँ मेरा काम करने तो ये 2 हफ्ते के बाद आएगा, तुम अपना करवा लो तब तक। ओ भाई फिर सही है। अरे चले क्या फिर सर? अबे चलो भाई, देरी किस बात की गाइस, यहाँ पर चलो यार। यहाँ पर हमें एक बंदा मिल चुका है जो कि गाइस हमारा घर अपग्रेड कर देगा। तो भाई यहाँ पर वैसे कैसे अगर घर अपग्रेड हो गया तो मजा तो आएगा ना बिल्कुल। देख कल बहुत ही ज्यादा आएगा मजा तो। अबे भाई यहाँ पर हाँ यार मजा तो आएगा। तो गाइस देखो रोबिन हमारे साथ आ चुका है। अरे दिखाइए दिखाइए कैसा घर है आपका, अभी आपका घर बिल्कुल अपग्रेड करवा देंगे। भाई साहब कल वैसे हम तो कुछ और करने आए थे, भाई साहब करवा कुछ हो रहे हैं। अबे यार अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो टीवी लेने आया था यार। चलो यार गाइस, हाँ टीवी का तो पूछ ले। अरे छोड़ यार टीवी से क्या लेना देना यार, जब घर ही बहुत बड़ा हो जाएगा तो टीवी कहीं पर भी लगवा लेंगे यार, पहले घर बड़ा करने पे ध्यान दो। हाँ वैसे ये भी तेरी बात सही है। तो गाइस आओ भाई साहब यहाँ पर किसी ने मार दिया इसको। तो गाइस लेट्स गो यार, यहाँ पर हम टीवी लेने आए थे बट गाइस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ चुके हैं स्टोरी में, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें मिल चुका है माइकल का दोस्त रोबिन जिसने भाई बनाया था माइकल का घर। तो हाँ यार गाइस चलो इससे पूछते हैं भाई, अगर ये हमारे घर को अपग्रेड कर एक बड़ा घर बनवा सकता है। अरे अच्छा अच्छा ये है तुम्हारा घर? अरे इस घर को तो मैं 3 मंजिल में कर दूंगा, बताओ अगर चाहते हो। अबे हाँ और बढ़िया रहेगा भाई साहब, फिर तो अबे कल यहाँ पर गाड़ियां वाड़ियां खड़ी करवा देंगे भाई साहब, गैराज बनवा देंगे बड़ा। अरे सब हो जाएगा, सब गाड़ियां खड़ी कर लेना चाहे इसमें 40-50, इतना बड़ा कर दूंगा घर को। अबे सच में क्या? अरे फैक्ट्री में देरी किस बात की यार, काम शुरू करवाते हैं। अबे हाँ भाई देरी किस बात की, काम शुरू कर दो फिर। भाई साहब कल बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, पैसे पूछ ले पहले इससे। अबे हाँ यार गाइस यहाँ पर अगर इतना बड़ा भाई साहब घर में चेंज करवाना है तो पैसे तो उसमें लगेंगे भाई, यहाँ पर पैसे का क्या सीन है भाई, कितने पैसे में करेगा। अरे चलो अगर आप माइकल के दोस्त हो और आपको गैराज चाहिए गाड़ियों से भरा हुआ और थोड़ा सा घर में अपग्रेड चाहिए, तो आपसे
चाहिए। वैसे तो मैं लेता हूँ मिनिमम $2.5 million, पर आप ऐसा करना, आप 1.5 million दे देना। अबे भाई $1.5 million भाई कुछ ज्यादा नहीं है। अरे सर अंदर लगाने के लिए गाड़ियां लेकर आऊंगा, उसमें आपका पूरा घर बनाना है, उसका सामान आएगा, तो 1.5 million डन करो सर, बहुत अच्छी डील है। भाई साहब कलेश सही है भाई, $1.5 million में भाई साहब गाड़ियां और घर का अपग्रेड सब कुछ मिलेगा। अबे यार गाइस, यार $1.5 million में गाइस आप पर ये सारा काम होगा, बट भाई दिक्कत तो ये है मेरे पास 1.5 million तो नहीं होंगे यार। अरे फैकल भाई उसका जुगाड़ कर लेते हैं यार, पर इनसे काम पहले करवा लो यार, क्योंकि मुझे घर यार बहुत ही ज्यादा अच्छे से यार अपग्रेड देखना है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, अगर तुम चाहते हो तो मैं अभी घर का काम शुरू करवा दूंगा, बस तुम्हारे इशारे की जरूरत है इसमें। मैं भाई चल मेरी तरफ से तो स्टार्ट करवा दे। अरे बस ठीक है, कल सुबह आ जाना फिर। अबे कल सुबह तक पूरा घर अपग्रेड कर देगा? अरे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अबे भाई तू अकेला कैसे करेगा? अरे किसने बोला अकेला करूंगा, अभी दिखा देता हूँ कौन कौन करेगा मेरे साथ। अबे भाई मतलब ये तेरी सारी टीम है जो ये काम करेगी? अरे बिल्कुल, अकेले बंदे का काम थोड़ी है ये, अब देख लो टीम इतनी है तो काम कितना ज्यादा होगा। अबे गाइस यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार हमारे घर को अपग्रेडेड देखने के लिए। आप सभी लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आप सभी लोग भी एक्साइटेड हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, वी आर एक्साइटेड। तो यार गाइज यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो यार, काम तो वैसे बहुत ही बढ़िया होने वाला है जिस हिसाब से गाइज यहाँ पर बंदे खड़े हैं। अरे बिल्कुल यार, कल सुबह तक यार तो बस हमको रात काटनी है गाइज। हाँ यार हमको बस रात काटनी है और कल सुबह तक हमारा सारा घर हमें अपग्रेडेड मिल जाएगा। अरे बिल्कुल सर, जैसे आपने सोचा तो हम अभी काम शुरू कर देते हैं, तो ये अच्छा ही होगा कि आप अभी हमें काम शुरू करने दे दीजिए, ताकि हम कल सुबह तक सारा काम यहाँ पर निपटा दें। अबे बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब शुरू करो गाइज, यहाँ पर बंदे इसके पास बहुत है, काम गाइज हमारा शुरू होने वाला है। बस गाइज यहाँ पर हम जो दिक्कत आने वाली है वो है गाइज, जो कल सुबह हमें गाइज यहाँ पर $1.5 million की पेमेंट करनी है। अरे फिर क्या होता है यार, 1.5 million तो है यार, आपके पास 1.5 million नहीं है? अबे पागल हो गया क्या शिनचैन भाई, $1.5 million किसके पास है? देख कलवे यार, तो भाई साहब $1.5 million के बिना तो काम नहीं होगा बे। और अगर भाई साहब इसने भाई और अगर इसने कल तक काम कर दिया और तूने इसको पैसे ना दिए तो भाई ये माइकल को शिकायत लगा देगा, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी लॉस एंजेलिस में? अबे बात तो गाइज यहाँ पर ये भी सही है यार, ये तो गाइज यहाँ पर माइकल को जानता है यार, तो भाई ये माइकल को बता देगा एंड गाइस हमारे पैसे शायद माइकल को देने पड़ जाए। नहीं 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 भाई, यहाँ पर पैसे देने जरूरी हैं। अरे चलो यार हमारे पास टाइम है यार, किसी तरीके से यार 1.5 million का जुगाड़ कर लेते हैं। अबे भाई 1.5 million का तो ऐसे बोल रहा है जैसे भाई पेड़ों में लगे होते हैं। भाई साहब लगे होते तो वो भी ना तोड़ता मैं तो। क्यों मैं? क्योंकि भाई साहब इस सीजन में पके नहीं होंगे ना, अगले सीजन में पकेंगे। चुप कर भाई साहब, यहाँ पर बकवास कर रहा है। गाइज यहाँ पर देखो यार, ये बात तो गाइज यहाँ पर पक्की है कि 1.5 million से 1 रुपया भी वो कम नहीं करने वाला। एंड अगर भाई यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट में आपको बताऊँ अभी कितने हैं, तो भाई मेरे पास होंगे करीब $80,000-90,000 गाइज यहाँ पर मेरे अकाउंट में, मुझे लगता है अभी मेरे पास होंगे। भाई साहब तेरे को तो बहुत पैसा चाहिए बे, कल वे क्या करेगा बे? अरे यार इतनी जल्दी तो कोई डाका भी नहीं मार सकते यार बैंक में। अबे हाँ यार गाइस यहाँ पर दिक्कत आ गई है भाई, यहाँ पर काम तो दे दिया है पर पैसों की दिक्कत आ रही है, तो हाँ एक तरीका गाइस बट मेरे पास है। भाई साहब क्या है बे, जल्दी बोल बे, मेरे को तो डर लग रहा है। अबे तुम फिक्र मत करो यार गाइस, यहाँ पर देखो भाई एक तरीका मेरे पास बिल्कुल बिंदास वाला है। तो गाइस यहाँ पर बात कुछ ऐसी है। अरे हाँ बोलो बोलो जल्दी से बोलो यार, क्या तरीका है यार, 1.5 million चाहिए मेरे को। अबे हाँ हाँ मेरी बात तो सुन भाई साहब। हाँ यार जल्दी बता। सीन गाइस कुछ ऐसा है कि अगर 1.5 million मेरे को चाहिए तो भाई यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गाइस यहाँ पर कोई डाका नहीं मारना पड़ेगा, मुझे गाइस किसी से लेने नहीं पड़ेंगे, मैं गाइस सिंपली अपनी, भाई साहब अपनी, अरे किडनी बेच सकता हूँ? अबे नहीं पागल, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बस अपनी एक कार बेचनी होगी। भाई साहब ये कार के तेरे को कोई 4,000 ना दे? अरे ये गाड़ी के बदले में तो आपको कोई बिस्किट ना दे यार, आप $1.5 million कैसे मांग सकते हो? अरे बेवकूफ पूरी बात तो सुनो, मैं इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा। भाई साहब फिर किस गाड़ी की बात कर रहा है यार? अबे तुमको पता तो है यार हमारे पास लैम्बोर्गिनी है भाई। भाई साहब भाई थी यार वो तो। अरे हाँ यार आपकी लैम्बोर्गिनी कहाँ गई यार, आप वीडियो में यार गाड़ी ले लेते हो पर बाद में कहाँ चली जाती है वो? अबे भाई मैं बता तो रहा हूँ गाइस, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैं कोई वीडियो में कोई गाड़ी लेता हूँ तो भाई यहाँ पर वो मैं क्या करता हूँ, उस गाड़ी को गाइस मैं अपने गैराज में रखवा देता हूँ, तो भाई ताकि गाइस वो गाड़ी मुझे बार बार यहाँ पर बाहर ना निकालनी पड़े, क्योंकि गाइस यहाँ पर महंगी गाड़ियाँ होती हैं तो उनको गैराज में मैं स्टोर करता हूँ। तो गाइस वैसे ही गाइस मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी भी यहाँ पर एक भाई यहाँ पर एक गैराज में स्टोर कर रखी है। तो अगर गाइस यहाँ पर अगर मैं लैम्बोर्गिनी को सेल कर दूं, क्योंकि वो मैं चलाता तो हूँ नहीं। अरे फैक्ट्री में बहुत ही मुश्किल से चोरी की थी हमने याद है क्या? अबे हाँ यार वैसे गाइस एक्चुअली हमने वो चोरी की थी भाई, खरीदी नहीं थी, बट गाइस अगर यहाँ पर घर बढ़िया करवाना है तो लैम्बोर्गिनी तो बेचनी पड़ेगी। भाई साहब यार तेरे गैराज में कोई और गाड़ी खड़ी होगी वो बेच देना। अबे वो तो गाइस अब गैराज में जाकर पता लगेगा, मैंने गाइस यहाँ पर एक गैराज में
दो तीन सुपर कार्स को यहाँ पर स्टोर कर रखा है, तो आई थिंक गाइज वहां से एक सुपर कार बेचकर हमें गाइज यहाँ पर आराम से सिमियोन की तरफ से $1.5 million मिल सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर वो पैसा हम अपने घर पे लगा देंगे। भाई कैसा लगा प्लान? अरे प्लान तो अच्छा है यार, पर सबसे पहले वो गैराज में तो चलो जहाँ पर गाड़ी खड़ी है। भाई हाँ यार, कल ये देखे तो भाई साहब 1.5 million की बिकती भी है या फिर नहीं, और तेरे पास लैम्बोर्गिनी है भी? अबे है तू फिक्र मत कर, तो लेट्स गो गाइज, मैं आप सब लोगों को जल्दी से गैराज के पास लेकर चलता हूँ। अरे फैक्ट्री भैया कहाँ पर गैराज डाला है यार? अबे वो देख तेरे सामने एंट्रेंस लिखा था हुआ है, वही तो गैराज है। भाई साहब वारे कलवे, भाई साहब कितना बढ़िया गैराज है, ये तेरा है क्या? अबे हाँ हाँ मेरा ही है भाई। अरे मतलब इसी गैराज के अंदर आपकी गाड़ी खड़ी है यार महंगी वाली? वाह यार मजा आएगा। अबे हाँ यार गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अबे चुप, गाड़ी से बाहर आ जा यार, तू अंदर क्या कर रहा है? भाई साहब तुमको पता लग गया क्या मैं गाड़ी के अंदर बैठा था? भाई साहब मैं तो उल्टा हो गया। ओ भाई साहब चलो चलो दिखाओ दिखाओ। ओके तो गाइस लेट्स सी यार इसके अंदर कौन सी सुपर कार है जिसको बेच कर गाइस हम अपने घर का यहाँ पर ये काम करवा सकते हैं। लेट्स गो, इसको ओपन करता हूँ भाई, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा भाई क्या चीज है इसमें। लेट्स गो गाइस, मैं गैराज के अंदर। ओ भाई मेरी गाड़ियां कहां गई? अबे तेरी की। अबे गाइस गाड़ियां तो यहीं पे खड़ी थी भाई साहब, गैराज खाली कैसे हो गया? बे कलवे हमें बाहर फेंक कर क्या कर रहा है? अबे भाई गैराज खाली कैसे है? अरे यार फेंक लिया क्या मतलब यार, गैराज आपके दिमाग के जैसे खाली पड़ा है। अबे गाइस यहां पर तो मेरी इतनी महंगी गाड़ियां खड़ी थी भाई साहब, पता नहीं गाइस यहां पर किसने उठा लिया। अबे भाई यहां पर किसी को पता है क्या? ये किसी को क्या पता बे, मैं तो बोलता ही था भाई साहब कि यहां पर चेक करने आ जाना चाहिए था तेरे को। अबे गाइस यार मैंने सच में इसी गैराज में रखी थी गाड़ियां भाई यार। अबे यार, अबे हेलो भैया। अरे रुक जाओ यार घर बंद है। अबे भाई घर बंद है तो मैं क्या करूं भाई साहब, घर खोलो यार मेरे को काम है जरूरी यार। अरे हाँ बोलो बोलो। अबे भाई जो सामने गैराज है उसके अंदर गाड़ियां खड़ी थी कहाँ गई? अरे मेरे को क्या बताओगा, मेरा गैराज है वो। अबे पर मेरा है। अच्छा तुम्हारा है, अरे जाओ यार भाई। तुम्हारे गैराज को तो सैम के बेटे ने खुलवा लिया था बहुत महीनों पहले। किसने? अरे सैम के बेटे ने। सैम का बेटा? अरे हाँ वो, उसने गैराज खुलवाया था, तुड़वाया था वैसे मुझे लगता है। वो कह रहा था गैराज मेरा है, मैं चाबी भूल गया। अबे नहीं भाई ये गैराज मेरा है यार। अच्छा बेटा फिर तो तुम्हारी गाड़ियां चोरी हो गई अब। अबे भाई किसके पास है, सैम कौन है ये बता। अरे सैम तो बहुत अमीर आदमी है, उससे पंगा मत लेना। अबे मैं पंगा लेने की बात नहीं कर रहा, मुझे ये बता दे सैम कहाँ मिलेगा। अरे गुस्सा की होते हो बता रहा हूँ। अरे सैम मिलेगा तुम्हें 1802 में। 1802 में? अरे हाँ एक रेंटल प्रॉपर्टी है पीछे 1802 में, वहीं पे रहता है आजकल। अबे थैंक यू भाई साहब। अरे भैया मान मत जाना, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है बता रहा हूँ ना। अबे थैंक यू बताने के लिए भाई साहब। गाइस लेट्स गो। बे कल ये क्या हुआ बे? अबे ये सैम की ऐसी तैसी। अरे अबे सैम कौन है भाई साहब, वो तेरे को पैसे देगा क्या? अबे पैसे नहीं यार, उसने भाई मेरा यहाँ पर गैराज खुलवा कर गाड़ियाँ उठा ली है भाई, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बे भाई साहब तेरे को कैसे पता वो कहाँ है? अबे वो है 1802 में। बे 1802 में? हाँ 1802 में है भाई। भाई 1802 कहाँ मिलेगा हमें? मेरे को नहीं पता भाई, वो कह रहा है पीछे यहाँ पर अपार्टमेंट है, रेंटल अपार्टमेंट, वहाँ पर मिलेगा। गाइस लेट्स गो, मुझे लगता है मुझे भाई मिल भी गया। अबे इतना जल्दी कैसे मिल जाएगा भाई? गाइस यहाँ पर रुको मुझे देखने दो ये कितना नंबर है भाई, सैम को मैं छोड़ूंगा नहीं लिटरली। अबे 1802 कहाँ है भाई साहब? 1802 कितने होते हैं वैसे? अबे 1802। अरे यार 1802 बोलो। अबे वो छोड़ यार, तुम मेरे लिए ढूंढो तो यार। भाई साहब कभी शांति रख दे, मिल जाएगा मेरे को, देखने दे भाई लेफ्ट राइट हर जगह देखने दे। अबे गाइस 1801 ही मिल जाए, दो तो मिल ही जाएगा, पर यहाँ पर तो 1801 तक नहीं मिल रहा भाई। यहाँ पर गाइस लिखा तो हुआ है रेंट रेंट रेंट, पर भाई यहाँ पर कुछ नंबर तो लिखा नहीं हुआ अपार्टमेंट का भाई। इसका मतलब गाइस यहाँ पर 1803 और 1802 गाइस ये रहा भाई साहब, 1802 ये है। अरे फेंक भाई शांति से जाओ यार। अरे सॉरी सर मना है अंदर जाना। अबे ठीक है मना है, बस ये बता दे सैम का घर है क्या ये? हाँ सैम यहीं पे रहते हैं, क्या हुआ? अबे तेरी ऐसी तरह भाई साहब। अबे बाहर निकालो इस सैम को। अबे तेरी की। अरे अभी तो भाग कर बाहर आना पड़ गया। अबे आना तो पड़ गया पर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं भाई साहब। गाइस यहाँ पर गोलियां तो बहुत मारते हैं यार गाइस ये, मुझे लगता है गाइस यहाँ पर मुझे किसी और तरीके से इनको मारना पड़ेगा। पीछे से जाता हूँ भाई यहाँ पर ना, जंप कर जाता हूँ भाई साहब। ये काम तो तेरे से जितने मर्जी करवा लो। अबे देखो गाइस कैसे छत पे चढ़े हुए हैं भाई, इनको मैं बताता हूँ। अबे तेरी तो, ये ले भाई। गाइस लेट्स गो। और कौन है यहाँ पर? ये भी है गाइस एक, और कहाँ पर है? अबे भाई कितने सारे बंदे गाइस यहाँ पर हैं भाई। ये सैम तो गाइस यहाँ पर लगता तो भाई कोई खतरनाक ही आदमी है। अबे गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कोई गैंग के बंदे भी गाइस इनसे लड़ने आ चुके हैं। ये देखो ये गाइस हमें मार रहा है, इसको मारते हैं सबसे पहले। अबे भाई मुझे लगता है गाइस यहाँ पर सारे के सारे खत्म हो ही चुके हैं भाई। नहीं यार ये गाइस हमें भी मार रहे हैं भाई। रुको रुको भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? गाइस देखो देखो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, मुझे लगता है गाइस इनका
इनकी गैंग से गाइस लड़ाई होगी बट मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा गाइस यहाँ पर। अबे तेरी की, अबे गाइस यार ये खड़ी, अबे हाँ मेरी बुगाटी शिरोन भी तो थी यार डायमंड की। गाइस ये तो वही है, शुक्र है गाइस यहाँ पर इसको कुछ नहीं हुआ। अबे ओए ये किसने इतना शोर मचा कर रखा है। ओ आओ आओ भाई साहब आओ, तुम ही हो ना सैम। हाँ मैं हूँ, क्या हुआ। अबे भाई ये बता दे, ये मेरी बुगाटी तो यहाँ पर खड़ी थी बट वहाँ पर मेरी लैम्बोर्गिनी भी खड़ी थी, तूने उठाई है भाई। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे गैराज से गाड़ी उठाने की। ओए देखो देखो मेरी गलती नहीं है, मुझे लगा वो गैराज बहुत दिनों से खाली पड़ा है, मैंने इसलिए वहां से गाड़ी उठा ली। अबे वो तो ठीक है पर इसके साथ साथ मेरी लैम्बोर्गिनी भी थी, उसका क्या किया। वो तो मैंने बेच दी पर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अबे तेरी ऐसी तैसी, मेरी लैम्बोर्गिनी बेच दी, मेरी प्यारी लैम्बोर्गिनी गाइस। अबे गाइस यार मेरी बुगाटी रहेगी भाई, लैम्बोर्गिनी इसने बेच दी और यहाँ पर भी खून लग गया यार। रुको गाइस यहाँ पर बुगाटी को तो यहाँ से लेकर चले, तो यार चलो गाइस यहाँ पर लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिल पाई क्योंकि वो इस पागल से आदमी ने सेल कर दी है, बट गाइस मुझे मेरी बुगाटी मिल गई है। एंड गाइस डायमंड बुगाटी का भाई साहब प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसके साथ भी हम अपने घर का पैसा चुका देंगे। देख कलो ये तो वही है भाई साहब, गाड़ी हमारी फेवरेट में जो आपने उठाई थी यार। हाँ यार गाइस यहाँ पर बुगाटी भाई साहब यहाँ पर डायमंड की, अगर आपको याद है तो यार आपको पता होगा मैंने एक वीडियो में इसको उठाया था। अरे यार फिक्र मत, चलो चलो यार इसको लेकर जल्दी से सिमियन के पास चले यार, इसके तो 1.5 मिलियन मिल जाएंगे। भाई साहब इसके तो ज्यादा मिल जाएंगे। हाँ यार गाइस यहाँ पर ये डायमंड की है, इसके तो भाई मुझे लगता है 3-4 भी मिल सकते हैं, तो देखते हैं भाई कितने मिलते हैं। वेल तो गाइस यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो हम आज सिमियन के पास, एंड फाइनली गाइज यहाँ पर इसने हमारी गाड़ी ले ली है भाई, मतलब यहाँ पर इसने हमारी गाड़ी भाई खरीद ली है। और अगर आप सब लोग जाना चाहते हो कितने की, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं यार ये गाड़ी बिकी है पूरे के पूरे अरे $3 मिलियन की। बिल्कुल गाइज यहाँ पर $3 मिलियन गाइज हमें मिल चुके हैं इस गाड़ी के। एंड गाइज यहाँ पर सिमियन ने हमारे लिए एक और काम कर दिया है, ये कह रहा है कि जब तक गाइज हमारा घर का काम चल रहा है हम इस रात भाई इसके यहाँ पर सो सकते हैं। तो हाँ यार गाइज शाम भी हो गई है, रात भी होने वाली है, पैसा गाइज हमारे पास है, तो अब गाइज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रह गया है घर को देखना, वो गाइज हम कल सुबह देखेंगे। तो चलो यार गाइज यहाँ पर थोड़ी देर सिमियन के यहाँ पर आराम करते हैं, एंड मैं आप सभी लोग को गाइज जल्दी मिलता हूँ सुबह। भाई साहब बिल्कुल यार चल यार, नींद तो मेरे को भी आ रही है। अबे हाँ यार नींद तो मुझे भी आ रही है, तो चलो यार गाइज यहाँ पर सुबह मिलते हैं। वेल तो गाइज गुड मॉर्निंग यार, आप सब लोग देख सकते हो सुबह हो चुकी है, एंड गाइज लिटरली बता रहा हूँ यार पूरी रात तो नींद ही नहीं आई मेरे को, क्योंकि भाई यहाँ पर घर को देखने की इतनी ज्यादा जल्दी आई भाई मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। एंड गाइज यहाँ पर सिमियन ने हमको गाड़ी दे दी एक फ्री में, जो कि हम घर तक लेकर जाने वाले हैं क्योंकि हमारी गाड़ी मैंने इसको रिपेयर करने को दे दी है। भाई साहब इतनी मुश्किल से आज रिपेयर करवा कर लेकर आया था, फिर से खराब कर दी गाड़ी। अबे चलो यार गाइज अब तो भाई यहाँ पर सीधा घर जाकर अपना घर देखना रह गया है। पूरी रात गाइज हमने दे दिया उस भैया को, देखते हैं भाई उसने क्या किया होगा, तो लेट्स गो भाई यहाँ पर जल्दी से गाइज यहाँ पर घर चलते हैं। अरे यार फेंक लिया, मैं तो घर देखने के बहुत ही एक्साइटेड हुआ रे यार, वो क्या हो गया है। अबे यार गाइस क्या बात है भाई, यहाँ पर गाइस घर का नंबर दिख रहा है। बे कलुए भाई साहब ये घर तो भाई बहुत बड़ा हो गया है बे। गाइस यार यहाँ पर घर को आप सब लोग देख सकते हो भाई, बहुत बड़ा कर दिया इसने तो। अरे कैसा लग रहा है फ्रैंकलिन। अबे भाई तुमने तो भाई 4 चांद लगा दिए। अरे जाओ जाओ देखो देखो पैसे मेरे को दो। अबे एक्चुअली ये 3 मिलियन है। अरे चलो 3 मिलियन दे दो मेरे को। अबे भाई चल यार तेरे को 1.5 मिलियन दूंगा। चलो गाइस इसको 1.5 मिलियन सबसे पहले दे देते हैं यहाँ से निकाल कर। ले भाई तेरा पैसा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, जाओ देखो अपना घर कैसा लग रहा है। अबे हाँ यार ऑब्वियसली वो तो देखूंगा ही गाइस, यहाँ पर कितना बड़ा यार घर। अरे यार फैंकी भाई चलो यार जाकर देखते हैं। अबे आजा देखे गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो हमारा गाड़ियां निकालने का यहाँ पर पूरा रैंप सा बना हुआ है, जो भी आप सब लोग इसको कह सकते हो। रुको गाइस गैराज को खुलने दो। ओ तेरी की भाई यहाँ पर तो गाइस मैं लिमिटेड गाड़ियां रख सकता हूँ, एंड इसने भी भाई यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां रख दी हैं। अबे गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना अच्छा लग रहा है यार ये तो। देख कलवे घर तो दूर से भी चमक रहा है यार पूरी लॉस एंटोस में। अबे हाँ यार गाइस यहाँ पर देखो यार घर कितना ऊंचा हो चुका है, यहाँ से पूरा शहर दिखता है। एंड गाइस अभी तो और भी ऊंचा है यार, यहाँ से गाइस मैं अपनी मतलब गाड़ियां निकाल सकता हूँ। एंड आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर ये वाले फ्लोर में भी हमारे पास गाड़ियां है, यहाँ पर गाइस लगा हुआ है टेलीस्कोप। एंड गाइस अगर आप देखो तो इसने वही वाली वुड यूज की है जो कि हमारे घर पे यूज हुई थी, वो वाला टेक्सचर ही है। एंड गाइस यहाँ पर तो हेलीपैड भी है यार, गाइस देखो यार यहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा है।
एंड यहाँ से गाइस सीढ़ियां जाती हैं भाई, वाह गाइस यहाँ से सीढ़ियां भी जाती हैं, वाह रे वाह। चलो गाइस सीढ़ियों से नीचे जाकर देखें सीढ़ियां कहाँ तक लेकर जाती हैं। गाइस सीढ़ियां लेकर जाती हैं हमें नीचे वाले फ्लोर में भी, एंड यहाँ पर भी ऑब्वियसली गाड़ियां खड़ी हैं, मतलब हम यहाँ से भी आ जा सकते हैं। एंड अगर गाइज यहाँ पर मैं नीचे जाऊं तो मुझे लगता है हाँ गाइज मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास। एंड यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो गाइज यार घर तो गाइज यहाँ पर सच में बहुत ही बढ़िया हो चुका है यार, मेरे को गाइज यहाँ पर शब्द नहीं बचे कहने को। एंड गाइज देखो पूल भी बड़ा हो चुका है यार, और वहां पर आंटी आराम कर रही है। अबे आंटी भाई अपने घर पे जाकर आराम कर, और आंटी सुना नहीं क्या भाई, रुको गाइज यहाँ पर आंटी को भगा, भाग यहाँ से आंटी। चलो गाइज हमने आंटी को भगा दिया है भाई साहब, कलुए यार घर को यार देखने में कितना मजा आ रहा है यार अब तो। अबे अब तो आएगा ही, जब घर इतना बड़ा हो चुका है अंदर से तो गाइस सेम ही होगा, बट नीचे से गाइस बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है आप सब लोग देख सकते हो। अरे फ्रेंकी भैया हमारा पूल बड़ा हो गया यार, अब तो मैं पूरा दिन वहाँ पर मजे लिया करूंगा। अबे तू जब मर्जी मजे ले लेना गाइस, देख सकते हो यार यहाँ पर पूरा एक पानी का नया पूल बन चुका है जहाँ पर गाइस हम आराम कर सकते हैं। ये देखो भाई यहाँ पर बैठ कर गाइस पूरा नजारा ले सकते हैं घर का। गाइस घर तो देखने में भी बहुत बड़ा हो चुका है गाइस यार, हाँ वैसे अगर देखा जाए तो काम तो उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। बे भाई साहब कल गाड़ियों की भी भाई बिल्कुल भी कमी नहीं रही हमें। अबे हाँ गाइस अब गाड़ियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, अगर गाइस मैं कोई गाड़ी बाहर निकालना चाहूँ तो यहाँ से गाइस निकाल सकता हूँ। चलो गाइस गाड़ी बाहर निकाल कर देख ही लेते हैं भाई यहाँ पर कैसी लगती है, कौन सी निकालूं। चलो गाइस यहाँ पर यही वाली निकाल लेते हैं। चलो यार गाइस यहाँ पर गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, एंड गाइस अब निकालेंगे इसको यहाँ से, लेट्स गो। यहाँ से गाइस लेकर जानी है, यहाँ से तो गाइस ऊपर जाने का रास्ता है नहीं। नहीं भाई अगर गाइस ऊपर से भी गाड़ी लेकर आएंगे तो यहाँ से वो निकल जाएगी आराम से। एज यू कैन सी गाइस अबे भाई मजा आ रहा है। बे कलवे भाई साहब ये वाला गैराज देख, अबे गाइस उसने तो ये वाला गैराज भी अच्छा कर दिया भाई, देखो इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो चुका है भाई। अरे यार फैक्ट्री में बढ़िया लगा यार मेरे को बहुत ज्यादा। अबे हाँ यार गाइस आप सब लोगों को कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप सब लोग यहाँ पर कुछ आपके पास सजेशन है यहाँ पर हम और क्या अपग्रेड कर सकते हैं वो गाइस हमें बताना मत भूलेगा। बाकी गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया। चैनल को कर देना गाइस सब्सक्राइब, एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड वंदे मातरम। बे भाई साहब टाटा बे।